नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू अ रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपकी uh, एक डिवेलपमेंट टीम है उसके अंदर एक डिवेल्पर है काशिफ एक है कासिम आपका स्क्रम मास्टर फॉर एग्जाम्पल आमिर है और आपके पास एक यूजर स्टोरी लिखी हुई आई है फ्रॉम योर प्रोडक्ट ओनर यूजर स्टोरी ये कहती है कि एज अ फ्रीकवेंट बुक बायर आई वॉन्ट द स्टोर टू रिमेम्बर मी सो कैन आई एड बुक्स ऑन माई शॉपिंग कार्ट विदाउट हैविंग टू लॉग इन आसान लफ्ज़ों में कि मैंने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेजॉन डॉट कॉम से कोई चीज़ यानी उसका मैं अगर रेगुलर बायर हूँ मैं उसे बुक्स या डिफरेंट चीज़ें परचेज करता हूँ तो जब नेक्स्ट टाइम मैं अमेजॉन डॉट कॉम में आऊँ तो मुझे यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत ना पड़े मैं ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाऊँ वो आसान अफजों में रिक्वायरमेंट ये है अभी ये यूज़र स्टोरी आई तो पॉसिबल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ देर माइट बी डिफरेंट क्योंकि आई हैव टू सिमुलेट इट फॉर एग्ज़ाम्पल काशिफ़ ये कहते हैं कि क्या हम लोग कुकीज़ यूज कर सकते हैं अब कुकी ये होती है कि आपके ब्राउजर के अंदर एक यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने दिया फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्टोर हो जाता है ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो आपका यूजर नेम पासवर्ड वो ना पूछे लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा है कि ये कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज के अगेंस्ट होगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कुकीज कई हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को वो लेट तो नहीं कर रही आमिर स्क्रम मास्टर वो कहता है येस लेकिन वी नीड टू टेक केयर ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसी कासिम ये सवाल कर रहा है कि क्या हम कोई टेक्नोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि डज दिस इंक्लूड बींग एबल टू सी द बुक्स इन द शॉपिंग कार्ट यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ऑलरेडी चार बुक्स एड कर दी हैं तो क्या वो चार बुक्स भी जो मैं अगर नेक्स्ट टाइम आया तो मैं देख सकूँ या सिर्फ बुक ही ऐड कर सकूँ तो उसका आंसर इसका हम दे रहा है नो उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन बहुत जैनअन है और ये ये काशिम में कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लॉगिन मैनेजमेंट यानी अकाउंट्स इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ तो फिर ये स्टोरी कैसे डेवलप होगी यानी इस स्टोरी का प्रीरिक्विजिट ये है कि यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू मैं लॉग हो सकता हूँ ऑलरेडी यानी ये बना हुआ है क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर नेम पासवर्ड यानी लॉग और रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल नहीं बना हुआ तो फिर ये ये यूजर स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि यूजर ने पैस यानी यूजर रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल प्री रेगोजेड है इस यूजर uh, स्टोरी का आंसर बड़ा जबरदस्त है वो ये कह रहे हैं देन जस्ट यूज अ फेक एंड सैंपल अकाउंट फॉर नाउ यानी वो कह रहे कि ये एज्यूम करो ये बना हुआ है तुम लॉग इन हो सकते हो तुम्हारा काम सिर्फ ये कि नेक्स्ट टाइम जब लॉग इन हो तो वो यूजर ने पैसों ना पूछे इससे पहले जो यूजर मैनेजमेंट है वो फेक यूज करो यानी एज्यूम करो कि ये बनी हुई है अब उसके बाद ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी छोटे से आसान लफ्जों में उसके बाद टीम को जो स्क्रम मास्टर है उसने कहा जी एस्टिमेट करो अब कासिम ने एस्टिमेट दिए यानी आपने अब हर इस यूजर स्टोरी को असाइन करनी है जीरो वन टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी एज अ स्टोरी पॉइंट और अगर ट्वेंटी से ज्यादा स्टोरी पॉइंट्स हो रहे हैं इसका मतलब है ये यूजर स्टोरी जो है इट नीड फर्दर ब्रेकअप यानी ये बहुत अन है अब फॉर एग्जाम्पल कासिम ने एस्टिमेट दिए पाँच स्टोरी पॉइंट के अली ने दिए तीन के काशिफ ने दिए थर्टी स्टोरी पॉइंट असद ने दिए पाँच के अहमद ने दिए आठ के और हारिस ने भी दिए आठ के ये फर्स्ट आइट्रेशन थी और ऐसे ही होती है अब फॉर एग्जाम्पल स्क्रम मास्टर ने कहा कि, का कि काशि ने दिए हैं थर्टीन स्टोरी पॉइंट्स और जो अली है उसने दिए हैं तीन यानी मिनिमम और मैक्सिमम तो इसक्रम मास्टर ने कहा कि अब काशिफ बताए कि यानी एक्सप्लेन करें कि उसने हाई एस्टिमेट क्यों दिए हैं और अली बताया कि उसने लो एस्टिमेट क्यों दिए अली जो जिसने लो एस्टिमेट दिए थे वो ये कह रहे ये काम मैंने पहले भी किया हुआ है और मैंने शॉप मोर कोई इसमें कोई प्लग था वो मैंने यूज किया हुआ है तो इट इज इट इट इज प्रटी सिंपल तो मुझे पता है क्या करना है यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो इसलिए मैंने इसको थ्री असाइन किया है अली कह रहे कि जब लास्ट टाइम हमने शॉप मोर यूज किया था उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस करने को थी डेटाबेस के अंदर अब ये डिस्कशन चल रही है उसके बाद इस क्रम इसक्रम का ओके okay. अब कुछ रिक्वायरमेंट क्लियर हुई है यानी लेट्स डू अ राउंड टू अब राउंड टू के जब एस्टिमेशन आई तो कासिम ने की आठ अली ने की पांच काशिफ ने की आठ असद ने की पांच अहमद ने की आठ और हारिस ने की आठ तो वी आर नियरली डाउन इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि काशिफ के जो एस्टिमेट थे वो थर्टीन कॉम्प्लेक्सिटी से कम हो होकर अब एट पे आ गए हैं तो अमूमन हम ये करते हैं कि जब मल्टीपल टीम के एस्टिमेट्स आ जाए तो हम एक सॉर्ट ऑफ एवरेज निकाल लेते हैं इस एवरेज यानी सेवन को हम इस पर्टिकुलर यूजर स्टोरी का स्टोरी पॉइंट असाइन कर देते हैं सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू एस्टिमेशन इन रियल टाइम यानी ऑन द वन गो नहीं होती अब अगर आप इसको देखें इसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी हुई है रिक्वायरमेंट क्लेरिफिकेशन भी हुई है और कलेबोरेटिव एस्टिमेशन हुए हैं यानी एक बंदे ने एस्टिमेट नहीं दिए पूरी टीम ने एस्टिमेट दिए हैं एक ही काम को करने के तो इससे जो चीज जनरेट होती है ना वो होती है कोलेब्रेशन की कि हर टीम के बंदे को पता है कि टीम क्या करने जा रही है क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो दिस इज द फास्टेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी एंड कोलेबरेशन